तीन दशकों से समाजवादी पार्टी का दामन थामकर सत्ता के गलियारों तक पहुंचे गोरखपुर के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री स्वर्गीय जमुना निषाद की पत्नी पूर्व विधायक राजमती निषाद व उनके पुत्र अमरेंद्र निषाद ने 7 मार्च को अपने पूरे समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे और 11 मार्च को सैकड़ों समर्थकों के साथ गोरखनाथ मंदिर में पहुंचकर बाबा गुरु गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना किए। साथ ही महंत अवैधनाथ और दिग्विजयनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका। गोरखनाथ मंदिर पहुंचे निषादों के कद्दावर नेता अमरेंद्र निषाद काफी उत्साहित दिखे और कहा कि जिस उद्देश्य से मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी का निर्माण किया था वह समाजवादी पार्टी अपने उद्देश्य से भटक गई है। आज समाजवादी पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की निरंतर उपेक्षा और शोषण हो रहा है, जिससे पुराने कर्मठ समाजवादी कार्यकर्ता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। इस कारण यह पार्टी गर्त में जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी हमें जो भी दायित्व सौंपेगी हम उसे पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा नेता अमरेंद्र निषाद ने कहा, सबसे पहले तो हम गुरु गोरखनाथ महाराज जी के चरणों में नमन करते हुए प्रणाम करते हुए हम भारतीय जनता पार्टी में 7 तारीख को शामिल हुए। हम महाराज जी के जो विकास कार्य हैं, जो कार्यशैली है, उससे प्रेरित होकर और गोरखपुर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी में महाराज जी के आशीर्वाद से शामिल हुए हैं। पार्टी का और महाराज जी का जो निर्देश और आदेश होगा अच्छा उसका पालन किया जाएगा और आने वाले समय में गोरखपुर के विकास के लिए जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसका निर्वहन किया। अब महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी का आशीर्वाद है, बाकी पार्टी और महाराज जी जैसा तय करेंगे उसका। देखिए, समाजवादी पार्टी में जो आदरणीय माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने समाजवादी पार्टी खड़ी की थी इतनी मशक्कत से और इतनी कड़ी मेहनत के साथ, जिसको सब लोग जानते हैं, और स्वर्गीय पिताजी भी समाजवादी पार्टी को गोरखपुर में बहुत मजबूत किए, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो जुझारू कार्यकर्ता समाजवादी पुराने समाजवादी कार्यकर्ता सब पीड़ित हैं, जो आज बहुजन समाज पार्टी और निषाद पार्टी और तमाम छोटे दलों से गठबंधन करके जो समाजवाद के पुजारी हैं उनके सम्मान को ठेस दे रहे हैं, पार्टी के लोग और यहाँ के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के, बहुजन समाज पार्टी के पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इससे हाथ होकर हम लोगों ने गोरखपुर के विकास के लिए राजनीति में आए हैं, अपनी पढ़ाई छोड़कर और राजनीतिक परिवार से हमेशा हमको चाहिए कि हम जनता की सेवा करें। इसलिए हमने समाजवादी पार्टी छोड़कर महाराज जी के शरण में आकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और देश और जिले की सेवा।